हलवा तो आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो हम आपके लिए रेसिपी लाए हैं बहुत ही यूनिक सा रेसिपी है, बादाम का हलवा। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप बादाम ले लिया है। अभी हम इसमें 2 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे बादाम को। आप लोग चाहे तो ठंडा पानी में भी बादाम को भिगो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को 7 से 8 घंटा भिगोना है। देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, बादाम हमारा अच्छा सा भीग चुके हैं। अभी हम एक एक करके बादाम का छिलका निकाल लेंगे सारे बादाम को। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो आप लोग गर्म पानी में ही बादाम को भिगोए, इससे बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाते हैं। देखिए सारे बादाम का छिलका हमने निकाल लिया है। अभी हम सारे बादाम को मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बन के एकदम रेडी है। अभी हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें 1/4 कप घी ऐड कर देंगे और हमारा जो बादाम का पेस्ट बना था वो भी डाल देंगे और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा घी के साथ बादाम को, ताकि कोई लम्स ना रहे। इस टाइम पे आपका गैस का फ्लेम सिम में रख के करना है और लगातार चलाते जाना है ताकि तले में लगे नहीं और साथ ही बादाम का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। हमने लगातार चलाते हुए बादाम को 5 मिनट के लिए घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और बादाम का कच्चापन भी अभी दूर हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे सैफ्रन मिल्क ले लिया है। हमने पहले से ही 2 टेबलस्पून गरम दूध में 1 पिंच सैफ्रन मिला के रखा था, उसे डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे 1/4 कप चीनी ले लिया है, चीनी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और हलवा के साथ मिक्स ना हो जाए। हमें गैस का फ्लेम सिम में रख के ही हलवा को बनाना है ताकि तले में लगे नहीं, ये ध्यान रखना है हमें, और लगातार चलाते हुए हमें इस हलवा को बनाना है। देखिए चीनी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुकी है हलवा के साथ। अभी हमने यहाँ पे 1/2 कप दूध ले लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हलवा के साथ दूध को, ताकि कोई लम्स ना रहे। हमें हलवा को लगातार चलाते जाना है जब तक हलवा से अच्छे से ऑयल छोड़ ना दे, तब तक चलाते ही जाना है। और आप लोग देखेंगे धीरे धीरे हलवा का कलर भी चेंज होते जाएंगे। देखिए हलवा से अच्छे से ऑयल निकल चुके हैं और कलर भी थोड़ा चेंज हो चुके हैं। हलवा हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अभी लास्ट में 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते। हमारा बादाम का हलवा बन के एकदम रेडी है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ऊपर से पिस्ता बादाम डाल के थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, इससे दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी का मौसम आ रहे हैं, आप लोग एक बार इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताना ना भूलिए कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। चलिए आज के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।